सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि सर, क्या वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। बच्चों, इस वीडियो में मैं वादा करता हूं कि आपके एक एक डाउट को मैं लेते चलूंगा और सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों, हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से बच्चों के कि कब आने वाली है कक्षा 6 की वेटिंग लिस्ट। साथ ही साथ कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी है कि क्या सर, नवोदय की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे YouTube वीडियोस में आपको देखने को मिला होगा, वेबसाइट्स के अंदर भी आपको देखने को मिला होगा कि वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। भाई, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि किस किस का सिलेक्शन इस वेटिंग लिस्ट में होगा, मतलब कि सेकंड लिस्ट में किन किन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। और थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा जब वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। मतलब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर, जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो हमारे को कैसे पता होगा कि हाँ भाई, वाकई में वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो भाई, एक एक क्वेश्चन को मैं लेके चलूंगा, एक एक प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, सबका सोल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। बच्चों देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ना बच्चों, क्या है वो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, और अगर नहीं आई है तो कब तक आएगी। मेरे एक पिछली वीडियो में बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 2022 में जो फरवरी का मंथ होता है ना बच्चों, फरवरी, उस फरवरी में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अब बहुत सारे YouTube वीडियोस में आपको देखने को मिल रहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। भाई, नहीं हुई है। वेटिंग लिस्ट कब जारी होती है, जब नवोदय विद्यालय में जो 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, उनका एडमिशन हो जाए, और एडमिशन कुछ बच्चे अगर मान लो ना ले, या कुछ बच्चे छोड़ के जाए, तो फिर वेटिंग लिस्ट जारी होती है। लेकिन अभी तक तो इन 80 बच्चों का भी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई नहीं है, तो कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय है जहां पर 80 बच्चों का भी एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। तो भाई, अभी तक तो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात बच्चों ये है, अब कब जारी होगी। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको बता ही दिया है ना कि फरवरी में लगभग जो है वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। अब बाई चांस मान लीजिए कि फरवरी में वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई, किसी कारणवश नहीं हुई, तो भाई मार्च का महीना जो होता है ना, वो नवोदय विद्यालय के लिए भी लास्ट मंथ होगा, क्योंकि सेशन फिर खत्म हो जाएगा। मार्च के बाद तो ये सेशन भी खत्म हो जाएगा, तो भाई वेटिंग लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो भाई मार्च का तो फर्स्ट वीक होगा ना बच्चों, तो फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च, मार्च का सबसे पहला सप्ताह, उसके अंदर किसी भी हालत में वेटिंग लिस्ट को डिक्लेयर किया ही किया जाएगा। तो भाई, अभी तक वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है, और फरवरी या फिर मार्च 2022 में वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। बच्चों, किस किस का सिलेक्शन इस वेटिंग लिस्ट में होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये सब बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जरूर कीजिएगा। और अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बेस्ट बुक चाहते हैं तो चाक्षु और ऑलराउंडर बीएसएस द्वारा नवोदय विद्यालय की एक बेस्ट बुक लिखी गई है, जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और हर किसी ई कॉमर्स की साइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं तो इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, या फिर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इंस्टॉल कीजिए और आज ही अपना कोर्स रजिस्टर कीजिए। हाँ जी बच्चों, बात करते हैं किस किस का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट या फिर सिलेक्शन लिस्ट में, इस जो है सेकंड लिस्ट में होगा। बच्चों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लिस्ट में कुल 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब इन 80 बच्चों में मान लीजिए सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, 80 नंबर का जो बच्चा था ना बच्चों, जो सबसे लास्ट था, ठीक है, उसके मार्क्स मान लीजिए बच्चों 90 थे, उसके मार्क्स थे 90। जब 90 से नीचे जो होगा ना, जैसे कि 89, 88, 87, 86, इन बच्चों का सिलेक्शन होगा एज पर द एम्प्टी सीट्स, जितनी सीट खाली होगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और मैक्सिमम मेरा मानना है बच्चों की जिनके मार्क्स 85 से ऊपर है ना, वो रेडी रहना भाई, आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 85 से ऊपर वाले बच्चों का अब सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर 5 या 6 बच्चों ने भी अगर जो है सीट छोड़ दी, मान लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय छोड़कर भाग गए हो, तो 5 से 6 सीट आपके लिए खाली हो गई। अब खाली सीट को भरने के लिए इन बच्चों को बुलाया जाएगा। तो भाई, जिनके मार्क्स 85 से ऊपर है या फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, फिर भी फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो भाई
जो है रेडी रहना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है? देखिए वेटिंग लिस्ट जो है ना, इसका कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने रिजल्ट जारी किया था वेबसाइट के ऊपर, फिर है ना उसके अंदर आपने अपना रोल नंबर लिखकर चेक किया कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, फिर जवाहर नवोदय विद्यालय ने पूरी लिस्ट आपको दी। भाई ऐसा नहीं होने वाला, अब सिर्फ वेटिंग लिस्ट जो होगी ना वो उन्हीं बच्चों को इन्फॉर्म की जाएगी जिसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी ऑलराउंडर बीएसएस द्वारा आपको जो है वेटिंग लिस्ट की जानकारी दे दी जाएगी। जैसे ही किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय की वेटिंग लिस्ट अगर जारी होती है तो हमारे द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाल कलर का जो बटन है नीचे, इसको सब्सक्राइब करके पास में एक घंटे का बटन आएगा, इसको दबा देना, ताकि जैसे ही वेटिंग लिस्ट जारी होगी हम वीडियो अपलोड करके आपको बता देंगे। तो ये इस चीज के बारे में बच्चों ध्यान रखना कि ये वेटिंग लिस्ट जो है ना, इसके बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय के पास ही रहेगी या फिर उन बच्चों के पास रहेगी जिनका एक्चुअल में सिलेक्शन हुआ है। उनको कॉल आएगा या फिर उनको मैसेज आएगा या फिर उनके घर पोस्ट ऑफिस से कॉल लेटर भी आ सकता है। तो इस चीज के बारे में बच्चों ध्यान रखना कि वेटिंग लिस्ट का पता सिर्फ उन्हीं बच्चों को होगा जिनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ है। फिर भी ऑलराउंडर बीएसएस द्वारा सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। बच्चों अब थोड़ा सा वक्त मैं आपका लूंगा, अगर आप भी या फिर आपका कोई भाई बंधु जवाहर नवोदय विद्यालय 2022-23 किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग कर रहा है तो हिंदी माध्यम जवाहर नवोदय विद्यालय की चाक्षु और ऑलराउंडर बीएसएस की बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। हमारे एंड्रॉइड ऐप से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक हाल फिलहाल हिंदी में है और इसका इंग्लिश वर्जन एक या दो दिन के अंदर अंदर वो भी लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही लॉन्च होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये बुक आप जरूर मंगवाइएगा, आपको ये बुक हमारे एंड्रॉइड ऐप के अंदर भी देखने को मिलेगी। ये बुक आप फ्लिपकार्ट अमेजोन या फिर हमारे एंड्रॉइड ऐप से भी मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग कर रहे हैं और घर बैठे बेहतर कोचिंग चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज है सिक्स वाले बच्चों के लिए, महाबली बैच हिंदी मीडियम, महाबली बैच इंग्लिश मीडियम, दोनों नए बैच हैं और आपको बेस्ट रिकॉर्डेड कोचिंग क्लासेस, नोट्स, ई बुक्स सब कुछ दिया जाएगा। तो भाई ये आपको ऑनलाइन कोर्सेज है सिक्स वाले बच्चों के लिए और ये है बच्चों नाइन्थ वाले बच्चों के लिए बाहुबली बैच हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।